सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। वही सत्य, वही मैं कह रहा हूं ना महोदय, इसी प्रदेश के अंदर कुल जो नलकूप हैं, राजकीय नलकूप और निजी क्षेत्र में नलकूप काफी बड़े पैमाने पर है, यद्यपि जहां पे नहरों का संजाल नहीं बच पाया है, बड़ी यानी नहरें नहीं जा पाई, रजवाह नहीं जा पाए, गोल नहीं जा पाए, उसके अनुक्रम में वहां पर किसानों ने पहले से ही, प्रगतिशील किसान रहा है, खेती बाड़ी प्राचीन काल से ही माँ गंगा की इतनी कृपा रही कि यहां की जो भूमि थी अत्यंत उर्वरा थी, लोग खेती बाड़ी में विश्वास करते थे, परिश्रम पर विश्वास करते थे, अपने पुरुषार्थ से उन्होंने इस धरती से उस कालखंड में अन्न उत्पादन के माध्यम से अपनी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया था। और यहां पर प्रदेश में भी हम लोगों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया। कुल निजी नलकूप प्रदेश के अंदर 14,65,600 से अधिक है। निजी नलकूप को पहली बार इन सभी किसानों को प्रदेश के अंदर गत वर्ष हम लोगों ने विद्युत बिल में 50% की छूट दी है। पहली बार किसानों को यह सुविधा प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कर रहे थे लोग? इन लोगों के पास किसानों के लिए कोई अन्य कोई यानी किसानों के हित में करने के लिए कुछ भी नहीं था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ करना भी नहीं चाहते थे। आप तो अभी इससे पहले तो वहां से बोलते थे, अब जो है फिर रोज रोज अपना चले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा वहीं बैठे रहें। और मौजा 23-24 के लिए हम फीटर को अलग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम लोग सभी उन निजी नलकूप लगाने वाले अन्नदाता किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवा सके। हमने बजट का प्रावधान कर लिया है, 1500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान हम कर चुके हैं। फीडर के सेपरेशन की कार्रवाई चल रही है और इस समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी प्रदेश के अंदर। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा जो तमाम अन्य कार्यक्रम किए गए, इसमें नलकूपों के सोलर पंप के माध्यम से उन्हें सोलराइज करने की कार्रवाई, अब तक हम लोगों ने 45,342 ऐसे किसानों को इससे आच्छादित किया है और 23-24 के लिए 30,000 किसानों को इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी प्रचलित है। प्रदेश के अंदर टेल तक पानी पहुंचाने की कार्रवाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ी है। मैंने पहले ही बता दिया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भी 23 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के साथ ही प्रदेश के अंदर जल संरक्षण इसी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं तो महोदय खासतौर पर चेक डैम निर्माण के लिए 1546 चेक डैम का निर्माण इस दौरान किए गए, 395 तालाब बनाए गए लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से, 1234 तालाब बनाए गए और प्रदेश के अन्य विभिन्न विभागों के माध्यम से ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, अन्य के द्वारा भी अलग अलग समय में जो तालाब बनाए गए और अमृत सरोवर के माध्यम से भी हम लोगों ने जो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, 30,642 तालाब बनाए गए, भूगर्भ जल विभाग के माध्यम से भी 57 तालाब बनाए गए, अन्य विभागों के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया जिसके माध्यम से भी 13,066 चेक यहाँ पे अमृत सरोवर के निर्माण की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है।
Z News.